जो प्रचंड का जो खेमा है जो मतलब दावा कर रहे हैं कि पार्टी उनके साथ है उनके साथ ज़्यादा एम हैं तो एक प्राइम मिनिस्टर ओली पे आरोप लग रहा है कि आपके साथ अगर ज़्यादा एम नहीं हैं तो आप क्यों नहीं संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करते हैं प्रश्न को इसी तरह से भी इस तरह से भी किया जा सकता है अगर उनके पास ज़्यादा मेंबर थे तो क्यों उन्होंने पार्लियामेंट पार्टी की बैठक की आह्वान नहीं की और वहाँ पे uh, प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव सबसे पहले अपने ही दल में अविश्वास के प्रस्ताव पेश करके वहाँ उन्होंने अपनी मेजोरिटी का uh, टेस्ट नहीं किया दिस वेरी फैक्ट प्रूव्स दैट द क्लेम दे आर नाउ एक्सप्रेसिंग इज नॉट वैलिड दे हैव नॉट दैट टाइप ऑफ मेजोरिटी सेकंड जब हमने पार्टी का एकीकरण एक किया था पार्टी एकीकरण एक करते वक्त हमने कुछ खेल के नियम आप ये कह सकते हैं कि खेल के नियम या महाधिवेशन तक के लिए कुछ विशेष प्रबंध किए उस प्रबंध में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महादिवेशन के पहले केंद्रीय कमेटी का या किसी भी कमेटी का कोई कुछ भी निर्णय केवल सहमति के आधार में किया जा सकता है वो जो निर्णय होती है वो निर्णय को दोनों अध्यक्षों का हस्ताक्षर से ही उसको वेरीफाई किया जा सकता है hmm. और जितने भी पत्राचार निर्वाचन आयोग या और दुस, में हैं उसको भी उसी तरह से एक अरेंज किए हैं या yeah, आप ये कह सकते हैं कि वे वी टेकिंग द डिसीजन टू यूनिफाइड द पार्टी वी सेट द रूल दैट there uh, would be a unanimous decision, okay. making nobody will um, exercise the um, method of majority-minority. so isilie, third, as we have already declared the fresh mandate, now the people will decide who have the majority. एक बात लोग कह रहे हैं कि चाहे प्राइम मिनिस्टर ओली सही हो या फिर प्रचंड सही हो, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान हो रहा है तो नई नए जो मनारकी को ख़त्म करने के बाद जो नेपाल में प्रजातंत्र आया उस प्रजातंत्र को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है और इसकी जिम्मेदारी प्रदीप साहब आप पर भी जाएगी और प्रचंड साहब पर भी जाएगी यस योर पॉइंट्स आर वैलिड जब देश की प्रमुख पार्टी में कुछ आंतरिक समस्या इस तरह से विकसित हो तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो मुल्क के सिस्टम में डेफिनेटली पड़ेगा ही और आपने ठीक किया अब ठीक बात किया कि जो न्यूली इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम डेमोक्रेटिक देमो, रिपब्लिकन सिस्टम है उसको नर्चरिंग की ज़रूरत होती है उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है उसके केयरफुल हैंडलिंग की ज़रूरत होती है और उसके लिए पार्टी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है इसीलिए पार्टी का डिविज़न या पार्टी के uh, भीतर अंतर कलह अंदरूनी कलह इट इज़ नॉट गुड बट समाइम इट हैपन्स जब लीडर्स लोग अपनी धरातल जाएंगे देश और जनता कि समग्र हित के आगे उनका निजी स्वार्थ निजी सत्ता निजी महत्वाकांक्षा प्रिभेल हो तो तच टाइप अफ क्राइसिस भेरी अफ एन डेमोक्रेसी को पुख्ता बनने के लिए वो मजबूत होने के लिए बार बार इसी तरह की अग्नि परीक्षा की जरूरत होती है हो आई कैन टेल यू दैट आफ्टर द इलेक्शन एंड आफ्टर द फ्रेश माइंडेड डेमोक्रेसी विल फर्दर स्ट्रेंथन वो इस बीज की जो समस्याएँ हैं और जो लोग कुछ तत्व हैं जो देश के विकास और देश के समग्र राष्ट्रीय हित के ऊपर अपने निजी हित को महत्व देते हैं उनका एक सबक इलेक्शन में जरूर मिलेगा पीपल विल डिसाइड आपको नहीं लगता कि अभी जो राजनीतिक अस्थिरता है उसमें सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी भूमिका होनी चाहिए थी बड़ा रोल होना चाहिए था निर्वाचन आयोग का एक बड़ा डिसाइसिव रोल होना हो चाहिए था जो ये लोग भी बहुत ही देर कर रहे हैं और इस वजह से राजनीतिक अस्थिरता में नेपाल और फंसता चला जा रहा है आई डोंट थिंक सो बिकॉज इट इज द फर्स्ट एफर अपर्चुनिटी या इशू विच द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू डिसाइड एंड फॉर इट इट हैज़ टू लिसन ऑल द लॉजिक रैशनल्स फ्राम ऑल कॉर्नर ऑफ द सोसाइटी सो काफ़ी लोग हैं लायर्स के एक लंबी क्यूँ फिर भी uh, मुझे यही लगता है कि सुप्रीम uh, कोर्ट ऑलरेडी डिक्लेयर डेट ऑफ द इलेक्शन सो आई होप दे अप्रैल के पहले ही सब कुछ हो पाएगा uh, uh, मुझे लगता है कि uh, एक महीने के अंदर अंदर यह सब कुछ इश्यू को, um, को सेटल हो जाएगा और निर्वाचन के लिए मार्ग प्रशस्त होगा इसका नुकसान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को उठाना पड़ेगा uh, कुछ तो जरूर होगा क्योंकि एकता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है अगर आप थोड़ी सी भी शक्ति उसमें विभाजित हो थोड़ी सी भी अनुमन हो थोड़ी सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो इवन अ स्मॉल स्प्लिंटर ग्रुप इट डिसाइड टू स्प्लिट देन डेफिनेटली देर विल बी सम हार्म बट जनता सर्वोपरि है अगर हम जनता को वास्तविकता अच्छी तरह से समझा सकें हुँ. तो मुझे लगता है दे विल डिसाइड तो सर दो हज़ार में जो दोनों पार्टियाँ एक साथ आई आपको लगता है कि यह गलत फैसला था आई थिंक सो एकता एक ऐतिहासिक एक आवश्यकता थी uh, राजनीतिक स्थायित्व जनता की, तो की मांग थी और वहाँ कुछ कारण भी नहीं था क्योंकि प्रायर टू दैट वी यू रिप्रेजेंटिंग टू डिफरेंट ट्रेंड्स ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट Uh, the then UML was representing the democratic uh, course of communist movement, and uh, the then Maoist center was representing the uh, traditional, uh, you can say, the mm -hmm. Sasastra Sangarski Dhare, Musko mm -hmm. represent tha. Like After the peaceful um, movement, uh, after the peace process, mm. there was no any rational to be. स्टे इन डिविजन क्योंकि जो फंडामेंटल प्रश्न था कि परिवर्तन के लिए हिंसा जरूरी होती है या नहीं hmm. या शांतिपूर्ण तरह से परिवर्तन किया जा सकता है कि नहीं वो ऑलरेडी स्टैब्लिश हुआ था इसलिए अलग अलग रहने की कोई ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैं आज भी एकता को एक ऐतिहासिक महत्व तो की घटनाक्रम मानता हूँ लेकिन गड़बड़ ये हुई या समस्या यहाँ से हुई कि आ, कुछ नेता लोग वो एकता का जो स्प्रिट था जनता का जो अपेक्षा था उसको उन्होंने अंडरस्टिमेट किया एक प्रदीप साहब बड़ी मतलब मार्के वाली बात है कि प्रधानमंत्री ओली ने जो संसद भंग किया उसका किसी ने समर्थन नहीं किया ना तो बाबू राम भट्टरे ने किया ना मतलब किसी भी पक्षी पार्टी ने समर्थन नहीं किया सब आलोचना कर रहे हैं ऐसी होती है आप सुबह छः बजे जाग जाते हो तो आपको सनराइज का दर्शन <laughs> फर्स्ट मिल जाएगा जो लोग देर से उठते हैं तो उनको तो सूर्योदय का मौका नहीं मिलेगा ना जो रियलिटी है ग्रेजुअली पीपल विल आ, समझ, जाएं। समझ जाएंगे आ, कुछ पॉलिटिकल पार्टी का एक बाध्यता भी होती है सरकार की हर एक निर्णय को विरोध करने की एक उनका कर्तव्य जैसा या एक उसको फॉलो करते भारत भ्रमण कैसा रहा आपका भारत दौरा समग्र में वो उपलब्धिमूलक था क्योंकि uh, गत साल की uh, भारत की uh, राजनीतिक नक्शा की आठवें आठवीं संस्करण के बाद जे जो जिस तरह की उतार चढ़ाव हमारे संबंध में uh, आए, आए उसके बाद का सबसे बड़ा एक हाई लेवल मीटिंग uh, था इट प्रोवाइडेड अस एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस ओवरऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर रिलेशन लिपू लेख पर भी बात हुई आप लोगों की जरूर सीमा समस्या के बारे में हमने काफ़ी खुलकर बातचीत की है और यस कुछ डिफ्रेंसेस तो है ये कहाना सही नहीं हो, नहीं होगा कि हम मतलब भारत बात करने के लिए अब तैयार है उन चीज़ों पे? जरूर, जरूर। पहले तैयार नहीं था आ, नहीं। बीच में कुछ उस तरह के अभिव्यक्ति आए थे फिर भी इस समस्या को पेंडिंग रख के किसी को भी फायदा नहीं होगा समस्या को आप जितने जल्दी हल करेंगे उतनी जल्दी ही समस्या सम समझदारी को या संबंध को मजबूत करने के लिए उससे योगदान मिलेगा अगर आप समस्या को पेंडिंग रखते हैं उसको कारपेट के नीचे छुपा रखते हैं तो एक तरह की अविश्वास की स्थिति बनती रहती है इसलिए वी हैव टू एंगेज वी हैव टू डिस्कस मे बी हैव दिफ्रेंसेज बट आप बात करते रहें विकल्प का खोजी um, करते रहें विभिन्न uh, ऑप्शन में आप बातचीत करते रहें तो उसी तरह से समझदारी में uh, पहुंच सकते हैं मतलब आप ये कह रहे हैं सर कि पहले भारत इसको विवाद नहीं मानता था लेकिन अब इस चीज़ को स्वीकार कर रहा है कि हम इस पर बात करेंगे जरूर We have decided that um, boundary issues should be settled at earliest.